ही मैंने उस वेरिफिकेशन कोड को भेजा, यूपीआई पिन चेंज हो गया। मेरे अकाउंट में जो भी सारा बैलेंस था, 8,000 बैलेंस था, वो पूरा का पूरा चला गया उसके पास। ए भाई, आप लोग कैसे हो? हमारे न्यू ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरे साथ है लल्ला भैया। इस ब्लॉग को स्टार्ट किया हूँ, सुबह के 6:30 बज रहा है दोस्तों। इस ब्लॉग को स्टार्ट करने का एक ही मतलब है भाई, कि इसके पहले मैंने 3 चैनल बनाए हूँ, अभी तक सक्सेस नहीं हुआ हूँ, सफलता नहीं मिली, किसी का सपोर्ट नहीं मिला है आप लोगों का। तो प्लीज़ भाई, आप लोग सपोर्ट करो, मेरा चौथा चैनल है यार, बहुत 2018 से वर्क कर रहा हूँ दोस्तों। भाई आप लोगों को सपोर्ट करो, प्लीज़ भाई आप लोग सपोर्ट करो। तो भाई चलो मैं बता देता हूँ, मैंने जो 3 चैनल बनाए तो किस किस कैटेगरी में बनाए थे दोस्तों। मेरा फर्स्ट चैनल तो था वो म्यूजिक का चैनल था दोस्तों। म्यूजिक सुनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था भाई, गाने में बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड सुनता था पहले, तो उसी की वजह से मुझे पता चला कि FL स्टूडियो से म्यूजिक को मिक्स करके उसको यूट्यूब पे अपलोड करके थोड़े पैसे जनरेट किए जा सकते हैं, जब उतना मुझे फुल नॉलेज नहीं था। उसके बाद से मैंने पूरे प्रोसेस को अप्लाई किया दोस्तों। उसके बाद से मुझे पता चला कि भाई जो FL स्टूडियो प्ले स्टोर पर उसको उसका चार्ज है, यानी कि पैड पैड में उस एप्लीकेशन को खरीद सकते हो, 300 रुपये का एक एप्लीकेशन पड़ता है भाई। तो भाई मैंने अपने मेरे पास कुछ थोड़े बहुत पैसे थे जो कि कुछ मैंने कमाए थे दिहाड़ी करके, भाई उस ऐप को पेमेंट मैंने कर दिया था, प्ले स्टोर में जाके उस ऐप को पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद जैसे मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा था भाई, फिर से वो 300 रुपये के लिए बोल रहा था कि फिर से आप पैसे पे करो, और इंस्टॉल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था दोस्तों। तो इस वजह से मुझे काफ़ी टेंशन हुआ, मेरा 300 रुपये फंस रहा था। उसके बाद से मैंने फिर से ट्राई किया था दोस्तों, नहीं आ रहा था। मैं 300 रुपये मैंने सोचा कि चलो भाई रिफंड आ जाए, कोई ट्रिक लगाऊँ। फिर मैंने सोचा भाई चलो कोई एक ट्रिक लगाते हैं, तो मैं गया FL स्टूडियो के सपोर्ट में। सपोर्ट में गया तो थोड़े से ट्रिक लगाए मैंने, वहाँ पे मुझे कई सारे नंबर दिखे भाई, और वो सारे नंबर जो थे भाई वो सारे हैकर्स के थे। और जैसे मैंने वहाँ से नंबर उठा के भाई सबको कॉल करने लगा ना, तो वहाँ से मुझे एक बंदे ने कॉल किया, बोला मैं कोलकाता से बोला हूँ। उसने बोला क्या प्रॉब्लम है, मैंने बोला कि भाई मेरा 300 रुपये इस ऐप में कटा है दोस्तों, और ऐप में कटा है और ये मुझे रिफंड चाहिए। तो रिफंड के लिए उसने बोला भाई अपना ATM नंबर दो, OTP दो, सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें मांग रहे थे जिससे मेरा अकाउंट खाली हो सकता था। तो उसके बाद से मैंने उनको नहीं दिया भाई ने, मैंने कॉल कर दिया, कॉल को कट कर दिया। उसके बाद से मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया भाई, मैंने उसको भी अपनी प्रॉब्लम बताई। उसने बोला भाई कि ऐसा ऐसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे खाते में वापस रिफंड हो जाएगा दोस्तों। और वैसे ही मैंने किया, फर्स्ट में उसने मेरा फ़ोन नंबर मांगा, और जैसे मैंने उसको अपना फ़ोन नंबर दिया भाई, उसके बाद से उसने मेरे सिम को हैक कर लिया। सिम को हैक करने के बाद मैंने सोचा कि भाई मुझे कुछ ऐसा डाउट हुआ कि चलो भाई मैं अपना OTP जो UPI पिन है उसको चेंज कर देता हूँ। और जब मैंने OTP के लिए अप्लाई किया ना, तो भाई मेरा OTP मेरे पास आ ही नहीं रहा था, मेरा सिम हैक हो चुका था भाई। फ़ोन नहीं हैक हुआ, मेरा सिम हैक हुआ। और हैक होने के बाद मुझे उतना डाउट नहीं हुआ, मैंने बोला मैंने ऐसे क्या होगा कि मेरा पैसे मेरे खाते से उड़ जाएगा। उसके बाद से भाई फिर मैंने उतना टेंशन नहीं लिया। उसके बाद से जैसा उसने बोला वैसे मैंने किया। अब भाई आप लोगों को पता होगा, जब आप लोग UPI वेरिफिकेशन करते हो ना, तो आपको कंपनी के तरफ से कोई भी एप्लीकेशन हो तो वहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आता है। तो मेरा सिम तो हैक ही था, और जो कोड आया था ना, उसने मेरे पास कॉल किया भाई कि उसने बोला कि तुम अपने सिम से मेरे पास ये कोड भेजो। और उसने मुझे बता रहा था कोड कि तुम ये कोड अपने फोन से, मतलब अपनी सिम से, मेरे सिम से इस तरह के कोड को भेजो। और भाई मैंने भेज दिया। जैसे ही मैंने उस वेरिफिकेशन कोड को भेजा, मेरा UPI पिन चेंज हो गया, मेरा UPI पिन चेंज हो गया। उसके बाद से मेरे अकाउंट में जो भी सारा बैलेंस था, 8,000 बैलेंस था, वो पूरा का पूरा चला गया उसके पास। थोड़ी देर बाद मैंने भाई बैलेंस चेक किया, उसके बाद देख रहा हूँ तो भाई मेरे खाते में बैलेंस 0 हो गया था। भाई म्यूजिक वाला चैनल तो फिर यहीं से डेड हो गया था भाई। फिर मैंने उस चैनल को बनाया तो था, बस उसमें किसी दूसरे का सॉन्ग लेकर के अपलोड कर दिया था भाई, उसमें भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद काफ़ी जब थोड़ा सा मूड सही हुआ दोस्तों, काफ़ी शायद से 6-7 महीने बाद मैंने एक टेक का चैनल अपने बनाया था दोस्तों, वो देख सकते हो। सारे चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जब जाके चेक कर लेना। उसमें भी कोई सफल नहीं हुआ दोस्तों, टेक के चैनल में मेरा थोड़े बहुत अर्निंग होने लगी थी भाई,
चैनल मोनेटाइज नहीं था। उसके बाद से फिर से थोड़े टाइम बाद भाई अभी 2022 में माई फर्स्ट ब्लॉग का क्रेज बहुत ज़्यादा हुआ, तो मैंने सोचा भाई चलो माई फर्स्ट ब्लॉग के ऊपर भी एक वीडियो बनाते हैं दोस्तों। उसके बाद से मैंने वीडियो बनाया, मेरे ब्लॉग्स में व्यूज नहीं आ रहे थे। उसके बाद से मैंने फिर से अगेन से 7,500 रुपये देकर चैनल को मोनेटाइज करवाया था। भाई मुझे क्या पता था कि पैसे देकर मोनेटाइज करवाने से तुरंत ही व्यूज़ नहीं आते हैं दोस्तों। मैं भाई मुझे पता था कि चैनल मोनेटाइज करवा लोगे उसके बाद से तुम्हारा जो 7,500 वापस आ जाएगा और आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। बट भाई जैसे मैंने चैनल को मोनेटाइज करवाया ना, करवाते ही भाई मेरे चैनल के जितने भी सारे व्यूज़ थे सारे के सारे डाउन होना स्टार्ट हो गया था भाई। इससे वो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ भाई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इस वजह से। तो इस वजह से मैंने किसी दूसरे चैनल की वीडियो अपलोड कर दी। उसके बाद से कर रहा था तो दूसरे की वीडियो अपलोड करने में थोड़े बहुत व्यूज आ जाते थे। उसके बाद से भाई फिर धीरे 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 मेरा चैनल डीमोनेटाइज कर दिया यूट्यूब ने। उसके बाद से भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ मुझे। उसके बाद से मैंने ये चैनल बनाया दोस्तों। तो इस चैनल को भाई आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी चाहिए भाई। बहुत सारी कोशिश कर चुका अभी तक सफल नहीं हुआ, तो प्लीज़ भाई सपोर्ट कर देना और ये बता देना कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा।